तक दूसरों पर इन्हिसार करेंगे। ऐसा क्यों है और वो क्या असबाब है जिनकी वजह से हमारे बच्चे सड़कों पर फूल बेचते नजर आते हैं। मैं हूँ सबा शेख और आज इस प्रोग्राम में हम वो असबाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या उन नन्हे मुन्ने हाथों में औजारों की जगह किताबें नहीं होनी चाहिए? तमामतर तरक्की और खूबसूरती के बावजूद एक माशरा उस वक्त बेबस नजर आता है जब वहाँ के मासूम बच्चों के हाथ में किताबों के बजाय मुख्तलिफ औजार नजर आए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 14 साल से कम उम्र 40 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो कि रिस्क की तलाश के लिए मसरूफ हैं। अहमद भी उन्हीं में से एक है जो कराची की एक कच्ची आबादी में किराए के मकान में रहता है। 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा है। अहमद दूसरी जमात का तालिब इल्म है और सुबह स्कूल भी जाता है। शाम में अहमद मोटरबाइक की मुरम्मत का काम करता है जिसके इसे रोजाना 60 रुपए मिलते हैं। इसकी बहनें बाप के इंतकाल के बाद तालीम का सिलसिला जारी ना रख सकीं और अखराजात पूरे करने के लिए लोगों के घरों में काम करती हैं। उनकी माँ का कहना है कि इस कदर महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है। उनका कहना है कि अब भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिल में दर्द मौजूद है और वो ही इनकी मदद करते हैं। अहमद की आंखों में अब भी अधूरी रह जाने वाली कई ख्वाहिशात मौजूद हैं। नाज़रीन, कानून तो बहुत बनते हैं मगर क्या किसी कानून पर अमल हुआ? इस बारे में राय जानने के लिए हम चलते हैं माहिरे कानून के पास जो खुद एक एनजीओ चलाते हैं और उनसे जानते हैं उनकी राय कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं माहिरे कानून ज़ियावान के ऑफिस में जिन्होंने चाइल्ड लेबर के हवाले से काफी खिदमात अंजाम दी हैं। अपने प्रोग्राम के हवाले से हम उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियावान साहब। सर, कानून चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या कहता है? देखें, हमारा जो कानून है वो तो मुझे लगता है किताबों में है, प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आती। और ये कानून जब बना था वो उस वक्त टॉम हार्किंस का बिल आया था अमेरिका की सेनेट में, तो उसके बाद टॉम हार्किंस के बिल के बाद ये चीजें हुई थी और इस पे अमल दरामद बिल्कुल नहीं होता है। अलबत्ता जो कानून कहता है, कानून ये कहता है कि बच्चा 14 साल की उम्र का हो तो वो काम कर सकता है। 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता, उसकी इजाज़त कहीं भी नहीं है। जो आपको ये बच्चे नज़र आते हैं जो काम करते हुए, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो फुटपाथ पे जो बने हुए गैराजेज हैं या कहीं भी किसी भी जगह, तो मेरी नज़र में जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट है। क्योंकि बच्चे से उसका बचपन जब आप छीन लें तो आपको जो आज आपके शहरों में और गाँव में डाकू और बम्बार और जो भी आप नाम ले लें, वो जो मिल रहे हैं आपको, ये उसी का शाखसाना है कि हमने उन बच्चों को उनकी लाइफ में कुछ नहीं दिया जो कि हमारा फर्ज था हम दें। और चाइल्ड लेबर को प्रमोट करने वाले जो है वो सही नहीं कर रहे, वो पॉलिसी गलत है। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर इसलिए की जा रही है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है बच्चा, तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्यों नहीं है? उनके घर में एडल्ट्स खवातीन भी हो सकती है ना, वो भी काम कर सकती हैं, उनको रोजगार दें। ये बेनजीर भुट्टो का प्रोग्राम, बैतुल माल, जकात, ये कहां जाते हैं पैसे? ये करप्शन की नजर हो जाते हैं। ये जो अमेरिका से इतनी मदद ली दहशतगर्दी की, फलाना फलाना, ये तो सारे लोगों की जेबों में जाते हैं जो कि तो बात यह है कि इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है कि आपके पास एक सियासी बसीरत हो और आप समझते हो कि आपका कमिटमेंट है, आपके पूरे पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने का कहीं लिखा नहीं हुआ। पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में समाजी इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ख्वाह वो चाइल्ड लेबर हो, टॉर्चर हो, जितनी भी चीजें हैं ना, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया ज़ियावान साहब। नाज़रीन, अभी हम ज़ियावान साहब से बात कर रहे थे और उनका कहना भी यही है कि मसाइल का हल आखिरकार हुकूमत के पास ही है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि इस बारे में हुकूमत का क्या मौकफ है। Thank you.
में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर नवाब साहब, सूबाई वजीर मेहनत और इंफरादी कुव्वत। सर, आप ये बता सकते हैं कि हुकूमत ने चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या इकदाम किए हैं और इसके लिए क्या बजट मख्तस किया गया है? चाइल्ड लेबर एक बहुत वसी मौजू है और अगर आप देखें तो करोड़ों, कोई 3.5-4 करोड़ बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन में दाखिल होते हैं और जब मैट्रिक के बाद उसका देखते हैं तो वो तादाद लाखों तक आ जाती है। तो यही बच्चे जो स्कूल छोड़ के पर जाके मेहनत की तरफ और रागब होते हैं और मुख्तलिफ वजूहत हैं उसकी, गुरबत है, अफलास है, बेरोज़गारी है और अवेयरनेस का न होना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस हवाले से कोई पाकिस्तान को बने हुए 63 साल हो गए हैं और इस हवाले से काफ़ी NGOs की तरफ से और मुख्तलिफ हुकूमती हवालों से काम होता रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बदकस्मती रही कि पहले मरतबा इससे पहले कभी जो बैन अलावा एजेंसीज है हुकूमत पे उनका एतमाद नहीं था गालिबन, इसीलिए फर्स्ट टाइम जब हम आए और हमने इस इशू को लिया और कई मीटिंगें की और एक बात हमने तय की कि चाइल्ड लेबर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है और इस पॉलिसी को लेकर हम चले हैं। तो उसके बाद जाहिर है कि बैन अलावा इदारों ने जब हमारी कारकर्दगी देखी तो ILO ने फिर हमें तस्लीम किया, आए हमारे साथ बैठे और मुश्तरिका एक प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ चेकआउट किया और पहली मरतबा प्रोविंशियल चाइल्ड यूनिट का क्याम अमल में आया हमारे यहाँ और वहीं से हमने स्टार्ट लिया और उसके बाद करते करते फिर हमने पूरे सिंध में एक जिले को हमने, क्योंकि ये 63 साल में यही होता रहा कि सेमिनारें होती रहीं और वर्कशॉपें होती रहीं और मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन अमली तौर पर कुछ सामने नजर नहीं आया। तो इसीलिए हमने एक अपने 23 अजला में से एक जिले का चॉइस किया और वो जिला सकर, वो इसीलिए कि वहाँ पर एग्रीकल्चर भी है, वहाँ पर कारोबारी भी है, वहाँ पर इंडस्ट्री भी है, तो एक मल्टी वो कारोबारी उसको हमने लिया है एक बोर्ड पे के हम उसको प्री चाइल्ड जोन बनाए हैं और उस पर हमारा काम चल रहा है। और उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम है कि एक कम्बर शहजाद कोट को, मीरपुर खास को, 2 और अजला को लें। मकसद ये कि हम पूरे पाकिस्तान में लगे रहें, लेकिन रिजल्ट हमें एक यूनियन काउंसिल की सतह पे नहीं है। कहीं आप ये मिसाल पेश नहीं कर सकती कि जनाब ये आइए हमारे साथ ये मोहल्ला, एक यूनियन काउंसिल या कोई जिला देख ले कि यहाँ कोई चाइल्ड लेबर है ही नहीं। तो इसीलिए हमने इसको फोकस किया कि ये अजला 1 by 1 हम ले, ये नहीं है कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक जिले तक महदूद है। जैसे मैंने कहा कि हमने सकर को लिया, उसके बाद 2 अजला और लेंगे तो फिर पूरे सिंध में हमारा प्रोग्राम ये है कि पूरे सिंध को हम चाइल्ड लेबर से फाक कर लें। तो ये प्रोग्राम है, इसके लिए अमली जो इकदाम है वो हमने स्टार्ट कर लिए हैं और इंशाल्लाह ये है कि रिजल्ट आएगा। और ये अगर ये सिर्फ ये नहीं है बल्कि हमारा तो ये प्रोग्राम है कि तमाम अजला में एक यूनियन काउंसिलों को भी ले, ताकि लोगों में शऊर भी हो, आगाही भी। एक जो पॉलिसी आई है, मैं आपको बताऊं 18वीं तरमीम में एक अहम जो बात है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक अहम जो बात है वो ये है कि 16 साल की उम्र तक तालीम मुफ्त और लाजमी। तो इस हवाले से भी काफी मतलब चाइल्ड लेबर में कमी आएगी। दुनिया में तालीम का कोई अल्टरनेटिव है वो कोई नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान ने ILO का कन्वेंशन 182 साइन किया है जिसके तहत किसी भी तरह बच्चों को आप पैसे काम में नहीं डाल सकते जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये उसकी खिलाफ वर्जी भी है और हमारा आइन ने पाकिस्तान जो है कॉन्स्टिट्यूशन तहफ़ देता है किसी भी बच्चे से, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 है जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं उसमें भी ये शामिल है कि किसी बच्चे को, और उसका जो अब 25A 18 अमेंडमेंट के बाद उसमें प्राइमरी तालीम हासिल करना, हर मुहैया करना हर बच्चे का हक भी है और ये रियासत इसको मुमकिन बनाएगी। चाइल्ड लेबर ये दुनिया में बड़ा है तो पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है और उसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जन्म हो रही है, जिस कीमत में बड़े लोग काम करते हैं 10,000 रुपए में, उसी में 2,000 में बच्चा कर रहा है तो उसका इस्तेहसाल हो रहा है। और खाली आपने वर्कशॉप में बताया एक चाइल्ड लेबर के साथ साथ कितने इश्यूज जुड़े हुए हैं, वहीं जाके उससे सेक्सुअल अब्यूज होता है, वहीं उसको फिजिकल अब्यूज होता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है बच्चे को, वहीं उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। जब वो बड़ा होता है तो वो माशरे से उसका रिवेंज लेता है जिसकी वजह से माशरे में जराइम और ये तमाम माफियाज आप देख रहे हैं जन्म होते हैं।
नहीं है। सूबा सिंध के जो लेबर मिनिस्टर हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक उस लेबर मिनिस्टर ने कभी हमसे यहाँ एक्चुअल काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की सिंध के लेबर मिनिस्टर ने एक मीटिंग तक कॉल नहीं की। इससे आप सिंध के लेबर मिनिस्टर की तरजीहात का अंदाजा लगा सकते हैं। चाइल्ड लेबर, गरीब आबादी, सिविल सोसाइटी, एनजीओ पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि आज तक इन बच्चों की तालीम को यकीनी नहीं बना सके। अगर सिविल सोसाइटी भी अपनी उसमें करप्शन ना होती और अपनी सही तरह रोल परफॉर्म करती तो आज पाकिस्तान के जो 43% बच्चे हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो आज किसी न किसी तौर पर देखिए। तालीम देने में कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आप उन्हें रोड पे बैठ के भी पढ़ा सकते हैं। मैं खुद अपना बताऊं कि हम क्या करते हैं, मैं जब जाता हूं स्ट्रीट पर कहीं जाता हूं तो मेरी यही ख्वाहिश होती है अगर दुकानदार के पास कोई बच्चा है तो मैं करीब में ऐसा दुकानदार तलाश करूं जो उस बच्चे को पढ़ा सके। क्योंकि बेसिक हुकूमत सखर को चाइल्ड लेबर फ्री डिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है जबकि सबसे बड़ा चाइल्ड लेबर कराची में मौजूद है, लाखों फैक्ट्रियां, हजारों फैक्ट्रियां मौजूद हैं जहां बच्चों से काम लिया जाता है। तो क्या वजह है कि 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को छोड़ के आप सखर का आपने इंतखाब किया? क्योंकि आप वहां पे कोई बिजनेस नहीं है, वहां पे कोई मीडिया की बिजनेस नहीं है, तो वहां पे जो सियास सफेद करें। दूसरी चीज, चारों सूबों पे ये जिम्मेदारी थी कि चाइल्ड लेबर का डेटा मुरतब करें। आज भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जो चाइल्ड लेबर का सेल है, आप जाएं वहां, मीडिया कैमरा लेके जाएं, आप उनसे पूछें, वो आपको डेटा नहीं दे पाएंगे कि सिंध में कितने बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार है। मैंने पूरी दुनिया में देखा है, रिसर्च की है, जब तक बड़े बेरोजगारी खत्म नहीं होगी चाइल्ड लेबर मौजूद रहेगा। बड़ों के बेरोजगार होने की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए, लोग मजबूर हो जाते हैं बच्चों को ऊंटों की रेस में बेचने के लिए, लोग मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने के लिए कि एक बच्चा अगर इस्तेमाल हो जाता है तो उससे घर के दूसरे बच्चे जो है उनकी गुर्बत दूर हो जाती है। ये उनका ख्याल है, एक मिथ है। यही वजह आपने देखी बच्चे मदारिस में अपने भेज रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास रोटी कपड़ा और मकान देने के बच्चों के पैसे नहीं है। उस गुर्बत की वजह से आपने जो सवाल किया कि जब तक हमारे मुल्क की पॉलिसीज जो है ये ऐसी पॉलिसीज हैं कि जो बड़ों को बेरोजगार कर रही हैं, जिसमें आप हालिया दिनों में देख लें कि जो हमारे इदारों का हाल है, रेलवे का हाल है, जो हमारे पीआईए का हाल है, जो हमारे दीगर हमारी केएससी से आप देख लें कि जिस तरह लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो जितने लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे हुकूमती पॉलिसीज की वजह से, कि जब से 88 से आपने देखा है, सन 88 से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई, जो कि नाम नेहाद प्राइवेटाइजेशन मुल्क की तरक्की के नाम पर शुरू की गई थी, और आप उस तरक्की का जवाल भी देख रहे हैं कि जब नेशनलाइज इदारे थे तो मुल्क किस तरह तरक्की कर रहा था। आज प्राइवेटाइजेशन आप इसके लिए की गई थी कि हम इससे प्राइवेटाइजेशन से पाकिस्तान के जीडीपी को, इनकम को बढ़ाएंगे। इनकम नीचे गिरती चली जा रही है और पाकिस्तान में करोड़ों मजदूर जो हैं बेरोजगार होते चले जा रहे हैं और उनके बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं। देख लें कि मिनिस्टर लेबर के पास अगर फंडिंग ना हो तो आप देखें मिनिस्टर लेबर के अंडर कौन कौन से हाथी इदारे आते हैं। यूओबीआई, सोशल सिक्योरिटी, ये इदारे क्या मिनिस्टर लेबर के अंदर नहीं आते? क्या इनकी डिस्पेंसरियों में इन बच्चों का इलाज नहीं हो सकता? क्या वहां पे स्कूल एक नॉन फॉर्मल नहीं कायम किए जा सकते? सिर्फ विल पावर होनी चाहिए। कौन सी जगह ऐसी है जहां आप नहीं कर सकते इंटरवीन? और फंडिंग अगर मसला ना हो तो आप इनके सजे धजे लेविश दफ्तरन में देखें, इनकी गाड़ियां देखें। अगर फंड नहीं है तो फिर ये गाड़ियों के बजाय साइकिल का है। जो हाईली पॉलिसी मेकिंग के लोग हैं वो संडे बाजार डिफेंस में चाइल्ड लेबर में खुद अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो फिर हम एक आम ले मैन को जो गाँव में अपने बच्चे को रोटी देने के लिए फसल में भेजता है और उससे काम लेता है, तो हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करें कि चाइल्ड लेबर फ्री इन्वायरमेंट बनाए? एनजीओस कोई एलियंस नहीं होते, आसमान से लोग नहीं आते, वही लोग होते हैं जो पूरे माशरे में करप्शन आपको नजर आएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ही करप्शन है, वरना रिसोर्सेज का इशू नहीं है, पैसे का इशू नहीं है, इशू ही मेन करप्शन है। हमारी नौजवान नस्ल जो है पाकिस्तान में यूथ का एक हमारे पास डिविडेंट है, और लकीली हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहां यूथ पॉपुलेशन हमारी तमाम पॉपुलेशन को डोमिनेट कर रही है। यूथ में आप आज एडवोकेसी करें, आज उनके साथ अवेयरनेस करें, आज उनको समझाएं कि आज का बच्चा जो काम करने वाला है कल का माशरती इंतशार ना पैदा कर दे, और उसका जो आप इस्तेसाल कर रहे हैं वो इस्तेसाल पाकिस्तान को एक वायलेंस के, तशद्दुद के माशरे की तरफ ना ले जाए, जिसकी दहलीज पर हम अभी खड़े हुए हैं। तो वो यूथ, हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह वो यूथ चेंज ला सकता है। आपने सुने हुकूमती दावे और माहिरे कानूनदान की राय, ये आप भी जानते हैं कि इस पे अमल कितना हो रहा है? खैर, हम आपको दिखाते हैं तस्वीर का असल रुख, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाते हैं तस्वीर का असल रुख। आइए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांचवी में पढ़ते हो। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? एक डेढ़ महीना हो गया। तो कौन लेके आया था आपको यहाँ? अरसल भाई। कौन? कजन अरसल। कजन? अच्छा, तो क्या मतलब आप खुश हो, मतलब लाइक आपको पसंद है यहाँ पे काम करना, या क्यों काम करने आए? ऐसे पसंद है काम करना, जनरेटर का काम सीख रहा हूँ। जनरेटर का काम? तो अच्छा, गेम्स वगैरह कुछ पसंद है आपको? जी। कौन सा गेम पसंद है? GTA। कौन सा? GTA। अच्छा, और सब्जेक्ट कौन से पसंद है स्कूल में, क्लास में क्या पसंद है? उर्दू। क्यों कर रहे हो यहाँ काम? कजन के साथ कर रहे हैं, भाई दोनों मिल गए। तो कजन क्या करता है तुम्हारा? नेटा का काम हम दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा, तो कब से कब तक आते हो, क्या टाइमिंग है तुम्हारे यहाँ आने की? सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो स्कूल कब जाते हो? हैं? स्कूल कब जाते हो? स्कूल अभी छोड़ा हुआ है। स्कूल छोड़ा हुआ है, तो मतलब पढ़ाई छोड़ के क्या अच्छा लग रहा है या काम करना अच्छा लग रहा? अभी तो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा। कब पढ़ोगे? वो हम बड़े होके ना वो करवाएंगे, पेपर लेंगे। किस चीज के पेपर दोगे? रिजल्ट स्कूल में। तो अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो बड़े होके कैसे पढ़ोगे? तो बड़े होके काम कर लेना, अभी पढ़ लो जी। मतलब तुम्हारा दिल क्या चाहता है, पढ़ने का दिल चाहता है या काम करने का दिल चाहता है? पढ़ने का। तुम्हारे पास कितने सारे है, खिलौने कितने हैं? बस साइकिल चलाता हूँ, खिलौने नहीं। तो साइकिल चलाते? साइकिल पसंद है। अच्छा, तो क्या बड़े होके क्या बनोगे? काम करूँ। काम करोगे? अच्छा, और अभी कौन सी क्लास में हो? अभी पढ़ते नहीं हो? नहीं। अच्छा, यहाँ पे कब आते हो? सुबह 9 बजे। और रात में कब जाते हो? ये 10:30 तक। तो कब पढ़ रहे हो फिर, क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ते? अभी नहीं पढ़ते। अच्छा, यहाँ पे कौन लाया था तुमको? अब्बू ने लाया था। अब्बू लेके आए थे। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू चौपट्टी का काम। क्या है? चौपट्टी का काम करते हैं। अच्छा, सही। तो तुम्हारा क्या दिल चाहता है बड़े हो कि तुम क्या बनोगे? क्या तुम अपने जहन में सोचते रहते हो, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा? यहाँ 3 साल पहले। 3 साल पहले आए थे? पढ़ते हो? जी नहीं। क्यों? पहले पढ़ते थे। कितने साल पहले पढ़ते थे? पहले 3 साल पहले पढ़ते थे। नहीं, मतलब क्यों छोड़ी पढ़ाई? ऐसे दिल नहीं करता। कितने पैसे? 100 रुपए। 100 रुपए रोज मिलते हैं, गुजारा हो जाता। तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता पढ़ने का, या कुछ बड़े आदमी बनने का, या कुछ अच्छा करने का, कि तुम भी पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लो, कुछ बेहतर कर लो? दिल चाहता, पढ़ना नहीं आया। पढ़ना नहीं आया? मतलब तुम खुश हो कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, या तुम्हें मतलब कोई अफसोस नहीं होता कि तुम नहीं पढ़ते? अफसोस तो होता है पढ़े, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुशी से, बहुत खुशी से काम कर रहे हो। पढ़ने लगे थे, हट गए तुम्हारा। 6th क्लास से हट गया, पढ़ने नहीं आ रहा मैं। अच्छा, पढ़ नहीं सके तुम? क्यों क्यों नहीं पढ़ सके? वहाँ के टीचर ही सही नहीं थे हमारे। टीचर सही नहीं थे? कौन से स्कूल में पढ़ते थे? पीले स्कूल के। पीले स्कूल में पढ़ते? तो किसी और गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते? फिर दिल्ली नहीं करा स्कूल पढ़ने का, 1 से लेके 6 तक पढ़ा, दिल नहीं करा, हट गया। कब आए थे यहाँ पे? इधर छोटा आया था, बहुत छोटे आए थे। कौन लेके आया था? भाई लेके आया था। भाई लेके आया था। अच्छा, तो क्या करते हो, पढ़ते हो? पढ़ते सुबह के टाइम। सुबह के टाइम पढ़ते हो, फिर शाम को यहाँ? शाम को इधर आते। अच्छा, तो मैनेज कर लेते हो दोनों चीजें तुम, पढ़ाई भी और काम भी? 100 की कर लेते। अच्छा, तो कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें यहाँ? इधर भाई देता है 50 रुपए, 100 रुपए एक दिन में। एक तो किसको देते हो फिर वो पैसे, क्या करते हो उन पैसों का? थोड़े अम्मी को देते, फिर दूध पी लेते। थोड़े अम्मी को देते हो? अम्मी को कितने देते हो? अम्मी को 20-30 रुपए। 20-30 रुपए अम्मी को दे देते हो? तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि तुम रोजाना 50 रुपए ला रहे हो और 20-30 रुपए अम्मी को दे देते हो? बस खुआरी। तुम खुश हो? हम तो खुश है, खुआरी करते ना उधर, तो जब इधर आएगा। वहाँ क्या खुआरी करते हो? वहाँ से यहाँ चले गए, उधर चले गए, मतलब तुम खेलने चले जाते हो, इसलिए तुम्हारी घर वालों ने कहा कि तुम्हें काम पे लगा। अच्छा, तो तुम खुश हो इस फैसले से? खुश हो कि तुम यहाँ काम कर रहे हो? इससे भी खुश है, पढ़ने से भी खुश। पढ़ने से क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बड़े होके जो अल्लाह ताला बना दे।
नहीं, तुमने तो खुद सोचा होगा ना कि कुछ तुम क्या बनो? तो मैकेनिक बनी। मैकेनिक बनना चाहते हो? अच्छा, तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता दूसरे बच्चों को देख के स्कूल जा रहे दूसरे बच्चे, तुम भी जाओ अच्छा पढ़ो और ये काम नहीं करो तुम? करा ही नहीं, सोगी नहीं था, थोड़ा लगा दिल पढ़ते थोड़ा। दिल चाहता है काम छोड़ने का? दिल चाहता नहीं, नहीं दिल चाहता काम छोड़ने का, यही काम करना चाहता, यही करते और पढ़ना बस। मामू की दुकान है ना? मामू की दुकान जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास में वो 5 में पढ़ते थे, वहाँ साइड का एक दोस्त ना ले आते थे, छुट्टी करवाया टुल्ला मार लेते। कहाँ से टुल्ला मार लेते? स्कूल से। हाँ, पढ़ाई मिस आती नहीं थी, जब भी बात मिस नहीं आती थी, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। कौन से स्कूल था? पीले। पीले स्कूल। अच्छा, तो तुमने कहीं और दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा? नहीं। तो तुम यहाँ कब आते हो फिर? कब आते हो सुबह में? सुबह 10-11 बजे तक। और कब जाते हो? अभी मगरिब के बाद चले जाएँ, काम होता है देर से आते। अच्छा, और कितने पैसे मिलते हैं? वैसे 120 सुबह, 150 कभी 100, 150 कभी 100। क्या करते हो उन पैसों का? घर पे देते हैं। घर पे देते हो? कितने पैसे देते हो घर पे? 10 रुपये लेते हैं सारे घर पे। 10 रुपये तुम लेते हो और बाकी सारे घर पे दे देते हो? तो तुम खुश हो इस काम से कि तुम सिर्फ 10 रुपये रख लेते हो और बाकी सारे पैसे तुम घर पे दे देते हो, और मतलब तुम मुतमईन हो यहाँ काम करने से? क्या तुम्हारा दिल क्या चाहता है कि तुम काम छोड़ दो, तुम पढ़ना शुरू कर दो? दिल तो चाहता है काम, वो पढ़ने का, और वो बच्चे ले आते हैं सब, पढ़ाई भी अच्छी नहीं है प्लस। तो किसी और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में हो जाओ, जरूरी तो नहीं है, बहुत सारे स्कूल हैं। बड़े होके क्या बनोगे, क्या सोचा है? पढ़ना लिखने का सोचा है। पढ़ोगे बड़े होके? मेरे ट्यूशन पढ़ते हैं, रात में आते हैं ट्यूशन, वो मदरसे पढ़ते हैं। खेल कौन से पसंद है? खेल खेल क्रिकेट नहीं पसंद, टाइम वाइम नहीं मिलता ना। अच्छा, कुछ देखते भी नहीं हो? फुटबॉल क्रिकेट नहीं, टीवी देखते हैं। टीवी नहीं देखते? टीवी देखते हैं बस, रात में आते। दिल ही नहीं करता टीवी देखने का? क्यों नहीं दिल करता? बच्चों का तो दिल करता है कार्टून देखें, टीवी देखें। दिल नहीं चाहता है? तो फिर किस चीज़ का दिल चाहता है? काम में कसब होते हैं, बस काम करने का दिल चाहता है। नाज़रीन, हमारे साथ इस शॉप के मालिक मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये बच्चे जो आपके पास आते हैं, इनको कौन छोड़ के जाता है? माँ बाप छोड़ के जाते हैं इनके। तो किस एज में आते हैं ये यहाँ? मुख्तलिफ एज में आते हैं, 10 साल के, 15 साल के, 18 साल के। क्या लगता है कि अगर आप इनको काम सिखाएंगे तो ये मतलब काम सीख जाते हैं, या ये बड़ा इनको मसला होता है काम सीखने में, इनके लिए मुश्किल होती है? नहीं नहीं, सीखते हैं, काम सीख भी जाते हैं बच्चे, बाहर भाग जाते हैं, बाहर सीखते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे, बिल्कुल सीख जाते हैं, पढ़ते नहीं है, जाहिर है मजबूरन माँ बाप इनको फिर काम पे भेज देते हैं। तो आपके अपने बच्चे हैं? नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं बच्चे मेरे। पढ़ते हैं जी। ये वो इस काम में नहीं है? नहीं, नहीं, काम। तो आपको क्या लगता है यहाँ जो बच्चे आते हैं वो किन मसाइल का शिकार होते हैं? वो मसाइल होते हैं, घरेलू प्रॉब्लम होती है, पढ़ नहीं सकते, वो माँ बाप के वसाइल नहीं होते, तो फिर वो काम के भेज देते हैं। तो क्या रोज क्या आप उनको करते हैं, क्या तनख्वाह देते हैं? तनख्वाह नहीं, रोज खर्चा बच्चों को देते हैं, 50 रुपए भी देते हैं, 100 रुपए भी देते हैं। तो क्या फिर काम क्या क्या लेते हैं उसमें आप उन बच्चों? काम हेल्पर ही करते हैं बच्चे फिलहाल, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहते हैं, फिर सीख जाते हैं, फिर काम करने भी लगते हैं। अच्छा, तो क्या कब बुलाते हैं सुबह से बच्चों को? सुबह आते हैं 10 बजे, 9-10 बजे बच्चे आते हैं, और रात को 8-9 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, तो खाना वगैरह आप ही देते? खाना वगैरह हम ही देते। और कपड़े वगैरह भी आप इनको देते? कपड़े वगैरह वैसे तो नहीं देते, ईद वगैरह पे देते हैं। तो वैसे आप अपने तौर पे क्या सोचते हैं कि इतने छोटे बच्चों से ये काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नहीं, काम तो कराना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि जाहिर है बच्चे अपने घरेलू प्रॉब्लम की वजह से आ जाते हैं काम करने के लिए, तो वो लगा लेते हैं बच्चों को। स्कूल जाने का शौक है, क्या करें, मजबूरी है, कमाने वाला कोई नहीं है घर में, पढ़ेंगे घर के कौन बुरा करेगा, क्या अगर मजबूरी होती है करना पड़ता है कुछ ना कुछ। अब्बा तो बूढ़े हैं, घर में सो रहे हैं, अल्लाह की मदद जो मानेंगे। सुबह आते 10-10 बजे नहीं, स्कूल जाने का शौक है, लेकिन मजबूरी है, जब भी काम कर रहे हैं वाली साहब काम नहीं करते, बड़े का मैकेनिक। स्कूल की छुट्टियां थी ना, यहाँ पर आ गए।
पढ़ना भी चाहता हूँ और मैकेनिक का काम भी करना सीखता हूँ। दो बहने चार बजे यार 21 रुपए घर पे दे देता हूँ, 10 रुपए रखता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने इन बच्चों से बात करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये बच्चे सामाजिक मसाइल और मौशी दबाव का शिकार हैं, जिसकी वजह से ये कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके वालदैन तो इन्हें खुद यहाँ छोड़ कर गए हैं। खैर, ये था तस्वीर का असल रुख। नाज़रीन, मसाइल का जिक्र करने से ही मसाइल हल नहीं होते, उनके लिए कुछ अमली इकदाम करने पड़ते हैं, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको असल हकाइक तक पहुंचाया जाए। आपको हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी हो सबा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सदा सलामत रहे पाकिस्तान।